ड्यूस मार्क जो पाउंड स्टर्लिंग, अब ड्यूस मार्क का पाउंड स्टर्लिंग पूछा है तो मैं इसमें भाग देंगे, है ना, तो वन वन पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 1.150 और 88 में भाग देना पड़ेगा यहाँ पर 0.4739 का, ये ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा 4739 बटे, मैं दशमलव हटा देता हूँ, 15088 तो 15 × 3 = 45, तो 0.3 से ऊपर आएगा, थोड़ा सा 0.3 से ऊपर आएगा, तो वो एक ही आंसर दे रखा है, दैट इज गिवन इन सी, इसमें नन ऑफ दीज नहीं है, तो डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है।